हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारदीप गुनम। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा कोर्स कितना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जिससे हमारे पास जो भी टाइम है उस टाइम में उस कोर्स को हम कवर कर सकें। हमने जो सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड किया है वो NCERT टेस्ट बुक के हिसाब से है। NCERT टेस्ट बुक अगर आपके पास हो तो वो दो पार्ट्स में है। पेपर हमारा एक आता है लेकिन कोर्स के दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड। इस सिलेबस को भी हमने दो वीडियोस में हम डाउनलोड करेंगे। पहले वीडियो में हमारा पार्ट वन होगा, सेकंड वीडियो में पार्ट टू होगा। सभी चैप्टर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। एक तो हमारे NCERT जो टेस्ट बुक है उसके चैप्टर्स, और साथ में अगर आपके पास साइड बुक्स हैं जैसे एक्टिव है, कुमार मित्तल है, तो उसमें चैप्टर्स के डिविजन्स थोड़े ज़्यादा कर दिए हैं। कोर्सेज वही है, टॉपिक्स वही है, चैप्टर्स बढ़ा दिए हैं उन्हीं टॉप्स को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे NCERT टेस्ट के हिसाब से हमारा जो पहला चैप्टर है यहाँ पर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस पूरे चैप्टर में हमारे सभी टॉपिक्स ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन हमारी जो साइड बुक्स है उस साइड बुक्स में इन्हीं टॉपिक्स को दो चैप्टर्स में इंक्लूड किया है, दो चैप्टर्स में लिया है इन्होंने। हमारा जो पहला चैप्टर है वो यहां से इस एरो से लेकर यहां तक है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और जो दूसरा चैप्टर उन्होंने टेस्ट बुक में बनाया है, साइड बुक्स में जो बनाया है, वो हमारी गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, गॉस प्रेम उसके अनुप्रयोग है सब कुछ वही जो ऐसी NCERT टेस्ट बुक में है, बस चैप्टर्स अलग कर दिए, दो चैप्टर्स में इस पूरे टॉपिक को कंसिडर किया है। इस पहले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश क्या होता है, आवेश को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आवेश के कौन से कैरेक्टर होते हैं, आवेश किस क्या फॉर्म करता है, कौन सा फील्ड बनाता है, कैसे फोर्सेस आवेशों पर लगते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एंड द टू वेरी टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा साइड बुक के हिसाब से, गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस। ये चैप्टर भी अपने हर एक चैप्टर अपने आप इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय क्या है और उसके एप्लीकेशंस, उसके अनुप्रयोग। विस गॉस प्रमेय की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। कोई भी आवेश है तो आवेश अपने चारों एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो कितनी पावर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम गॉस प्रमेय का यूज करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हमारे इन चैप्टर्स में इंक्लूड होते हैं। NCERT का हमारा दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इस NCERT के चैप्टर को साइड बुक्स में दो चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हमारा जो पहला चैप्टर है बेस, आप यू कहिए साइड बुक का जो तीसरा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर वैद्युत विभव, एंड जो फोर्थ चैप्टर है, दिस इज द फोर्थ, वो है कैपेसिटर। ये है हमारा थर्ड साइड बुक के हिसाब से, NCERT टेस्ट के हिसाब से हमारे सब कुछ पूरा सेकंड चैप्टर में इंक्लूड है। टॉपिक्स हर एक है, फिर रिपीट करते हैं, टॉपिक्स कब ज्यादा नहीं है, बस डिविजन्स उसमें ज्यादा कर दिए, चैप्टर्स का डिविजन्स ज्यादा कर दिए। एक्चुअली डोमेन्स थोड़े ज्यादा इंक्लूड करती है समझने के लिए,
इसलिए हर चैप्टर सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गए है। सब कुछ वही जो एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में जो हमारा पोटेंशियल है उसमें पोटेंशियल के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत विभव क्या होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक करेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र का ये करेक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, संधारित्र क्या होते हैं, उनकी कैपेसिटेसिस कैसे फाइंड करेंगे, धारिता कैसे निकालेंगे, और क्या एप्लीकेशन उनके यूज क्या है, ये सब कुछ इस चैप्टर में इंक्लूड है। हमारा तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, एनसीईआरटी का ये चैप्टर भी शेड्यूल के हिसाब से दो चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसमें एक चैप्टर है हमारा वैद्युत धारा, इधर नेक्स्ट इज सिंपल सर्किट सरल प्रपथ। एनसीईआरटी के हिसाब से ये दोनों के दोनों जो चैप्टर्स हैं, जो साइडबुक के दोनों चैप्टर्स हैं, वो इसी चैप्टर में इंक्लूड है, इसी में है। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस में आपस में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का अपभावेग क्या होता है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, एंड अबाउट द रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों के बारे में। फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सिंपल सर्किट्स, सरल प्रपथ क्या होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, और उनको हम अगर कंबाइंड फॉर्म में लेके चले, संयोजित रूप में लेके चले, तो हम कितने तरह से लिए जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो ये सब कुछ इन सब इस चैप्टर में इंक्लूड होता है। हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो यूनिट है वो मैग्नेटिक्स से जुड़ी हुई है, गतिमान आवेश और उसका मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, एनसीईआरटी टेस्टों को तो एक ही चैप्टर में सबको हमने इंक्लूड किया है, हर एक टॉपिक को लिखा। जो साइड बुक्स है उस साइड बुक्स में इस पूरे चैप्टर को, एनसीईआरटी के टोटल चैप्टर को तीन चैप्टर्स में उन्होंने अलग अलग लिया है, जिसमें एक चैप्टर हमारा गतिमान आवेश और उसका चुंबकीय क्षेत्र है, बता जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसके बारे में दिया है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डिजाइन का होगा। अगला जो चैप्टर साइड बुक का है वो है वैद्युत धारा का मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक करेंट होती है वो मैग्नेटिक प्रभाव दर्शाती है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होंगे, ये उस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे पढ़ेंगे। और एक और चैप्टर उन्होंने दिया है साइड बुक में कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई मैग्नेटिक डायपोल लेके चले, कोई चुंबकीय द्विध्रुव लेके चले, तो उस चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव पर क्या एक्ट हो रहा होगा, क्या लग रहा होगा, इस बलिगु वगैरह के बारे में थोड़ा हमारी स्टडी है। कुल मिलाकर हमारा जो टोटल चैप्टर है वो करेंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, उसका मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उन पर लगने वाले बलिगुम, इस सब की स्टडी कराता है पूरा टॉपिक। बिस मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ है, करेंटेड मैग्नेटिज्म, विद्युत और उसका चुंबकीय क्षेत्र, उस सब से पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट बुक है, एनसीईआरटी टेस्ट बुक चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, बिस मैग्नेटिज्म और मैटर, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक करेक्टर दिखाते हैं मोस्टली, उनका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, कौन सा सब्सटेंस कितना मैग्नेटिक करेक्टर दिखाएगा और किस वजह से, तो पूरी स्टडी इस चैप्टर में आती है। और नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
जिस पे आपने 10th क्लास में वो फेराडेज लॉ पढ़े होंगे, फेराडे के नियम। तो जो हमारा फेराडेज के दो लॉ है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, उस पर आधारित ये सभी टॉपिक्स इसमें हैं। लेंज का नियम है, विद्युत वाहक बल के बारे में बताया गया है, ईडी करेंट्स, भ्रमण धाराएं क्या होती है, हमारा प्रेरकत्व क्या है एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा किस तरह से जनरेट होती है, ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो हमारे ये चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एनसीईआरटी टेस्ट के हिसाब से हमारा जो 7th चैप्टर है वो है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, मीन्स वो करंट जिसको हम घर में यूज करते हैं। हमारे घर में आने वाली जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती होती है, बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा डीसी होती है। तो एसी करंट को हम कैसे ऑप्टेट कर सकते हैं, उसके इक्वेशंस क्या होंगे, सर्किट डायग्राम क्या होगा? जो हमारा एसी सर्किट होगा उसकी एनर्जी के बारे में और बहुत सारी ढेर सारी बातें, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हमें डिफरेंट टॉपिक्स हमें मिलेंगे। और फाइनली लास्ट में हमारा टेस्ट के हिसाब से, एनसीईआरटी टेस्ट के हिसाब से हमारा 8th चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इन्हें शॉर्टकट में बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीन्स ऐसी तरह की जो निर्वात वैक्यूम वो ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल से गति करती है। डिफरेंट रेडिएशंस विकिरण जो है हमारे यूनिवर्स में जो गति करते हैं उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो उनकी कंप्लीट स्टडी, उनके इक्वेशंस, उनके बारे में। तो दिस ऑल्वर अगर आप देखें तो हमारे फिजिक्स फर्स्ट जो है उसको एनसीईआरटी टेस्ट के हिसाब से 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो साइड बुक्स है उनमें इनके को 13 चैप्टर्स में, 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। टॉपिक्स कब ज्यादा नहीं है, कोई टॉपिक कहीं छूटा हुआ नहीं है, बस डिविजन उन्होंने ज्यादा बना दी। तो हर एक चैप्टर को पढ़ने की हमें रिक्वायरमेंट है। तो दिस वाज द सिलेबस ऑफ द फिजिक्स फर्स्ट पेपर। सेकेंड वीडियो हम सेकेंड बुक का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। थैंक्स।